कनेक्ट अपनी पूरी फैमिली का नाम लेते हैं. आमर बिकॉज इज रियली फनी. Also Yasin when he speaks Urdu. Because it's the worst Urdu I've seen in my life. Yeah, please checking इसकी थोड़ी सी आप कुछ फरम है Urdu में. Please Urdu सुन लीजिए. आप देख रहे हैं मैंने यासीन लिखा हुआ है क्यों इसकी वजह से. सुनेश कर मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि और क्या क्या होता है खराते मरते हैं बहुत खराते मरते हैं. No, I'm just waiting. What level is your garden? Birmingham concert किए हैं और उधर का जो मतलब जो जो लोग हैं उधर के वो बहुत warm हैं और हमें इस तरह welcome करते हैं और सबसे best enjoy करते हैं concert में तो वो मजा इतना आता है. बाद में प्रॉब्लम ये है कि यासिन को बर्मिंघम और ब्रैडफोर्ड में डिफरेंस ही पता है और आमिर को मेरे ख्याल स्पेलिंग की प्रॉब्लम है. वेयर की बात. थैंक यू वेरी मच बर्मिंघम. इन्होंने अपना नाम लिखा है इन्होंने अपना मैंने दोनों का लिख दिया. मैं जब भी हम कुछ रिकॉर्डिंग करते हैं वीडियो वगैरह हमारी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा हम वीडियोस बनाएं ताकि अगले वीक हम ना मिले हम रेस्ट करें और खाना खाएं मजे करें. मैंने यासीन इसलिए लगाया क्योंकि यासीन के साथ भी बहुत जो है ना उनको वो बस होता है हर चीज में जल्दी होती है हर चीज में गुस्सा होता है हर चीज में. हाँ आमिर शुरू से इनका पीछे ये प्रॉब्लम है शौक नहीं शौक है अभी भी है इनका इन्हें ग्रुप बनाना है किसी ने अकेले ये अभी बस ढूंढ रहे हैं कुछ. मैंने लिखा है अमर की वेरिएशन जो उनकी वॉइस है ना जब वेरिएशन करती है बहुत अच्छा लगती है. फिर उसकी जो इम्प्रोविजेशन जब हम शो में है या हमने वीडियो किया है तो समटाइम्स ही डिड सम इम्प्रोविजेशन सो वेरी नाइस. आकिब उनकी जो वॉइस है बहुत खूबसूरत है जैसे वो जो बॉलीवुड है सिंगर है ना. आमिर भाई की वॉइस बहुत खूबसूरत है बहुत स्पेशल है और जिस तरह यासीन भाई ने भी बताया जो इम्प्रोवाइजेशन है जो वेरिएशन लेकर आते हैं वो मतलब अनोखी है. यासीन भाई की टेक्निकली परफेक्ट है जिस तरह नुसरत फतेह खान तो इस और जो कव्वाली की आवाज है जो सरगम गाते हैं वो माशाल्लाह क्या ही बात है. आकिब का जो है ना आकिब मैंने लिखा हुआ 4x4 यानी कि अगर ये आकिब कभी सोलो गाएगा पड़ेगा नाथ वो वहाँ पे भी टॉप में होगा अगर ग्रुप में पड़ेगा वहाँ पे भी अच्छा पड़ेगा. तो ये इनका यानी ये मेहनत से काम करते हैं उन्होंने हमेशा मेहनत की है तो ये मुझसे ज़्यादा राज जानते हैं तो माशाल्लाह आकिब के बाद सामने है. यासीन तो यासीन क्या बात हार्मोनियम मास्टर है माशाल्लाह काफी हमने लोगों सुन, लोग सुने हैं यूरोपियन का इसे सीखना चाहते हैं. हाँ इसे, मगर ये सिखाते नहीं है ये कंजूस है. माशाल्लाह हमेशा जब मैं और आकिब बेस सुर से जा रहे होते हैं हमें सीधे रास्ते में लेके आते हैं डंडे के साथ. तो ये इनकी खूबी है माशाल्लाह हमेशा सीधे अच्छे तरीके से इन्होंने गाना होता है तो इनकी आवाज भारी है बहुत खूबसूरत आवाज है माशाल्लाह. उसने मुझे बताया कि सुरीली कैसे